जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की गाड़ी हमारे पास आई है जी, होंडा रिबॉर्न है ये और रिबर्थ है ये। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है इनकी कि इनकी एलसीडी बंद है। इन्होंने चेक किया है, हर चीज़ की पावर ऑन नहीं हो रही। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि इसमें अब क्या प्रॉब्लम आई है। आज की प्रॉब्लम हम इसके साथ सॉल्व करते हैं। चलें जी, खड़े वहाँ से। ये भाई हमारे साथ, ये जी इजीली आपने उतार लेना इसको। ये इसके नीचे क्लिप होगा, वो भी क्लिप होगा वहाँ पे भी, वो भी आप उतार लें, इसको पीछे कर लें जी। अब हम इसका पैनल उतारने लगे हैं जी। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया। नहीं जी, सबसे पहले जो हमने चीज़ चेक करनी होती है, इसके क्लिप्स चेक करने होते हैं जी। क्लिप्स इसके पूरे हैं, ये सारे क्लिप्स लगे हुए हैं। मेन क्लिप्स जो होता है वो ये वाला होता है, इसमें वोल्टेज वगैरह आते हैं और बाकी जो है इसके कंट्रोलर के साथ साथ हैं। ये GPS क्या है, वो FM क्या है, और ये जो है ये साथ में इसकी USB का है, और वो जो है वो कैमरे का है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं जी, वोल्टेज में क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइज ये मेरा मल्टीमीटर है, इसको मैं करूँगा जी DC 20 वोल्ट पे, क्योंकि हमारे पास उस गाड़ी में 12 वोल्ट होते हैं। तो ये अब हम इसको मीटर लगा के चेक करते हैं। गाइज ब्लैक हम ब्लैक के साथ लगाएं, अगर इसकी ब्लैक तार देखें तो ये आपको नज़र आ रही होगी, ये ब्लैक तार है। और चूंकि मैं इसमें काम कर चुका हूँ पहले 12 दफ़ा, तो इसलिए मुझे इनका पता है कि इसकी तारें पावर की कौन सी हैं। ये इसकी ब्लैक तार है और नीचे जो है इसकी ये करंट की तार है। तो ऊपर अगर वोल्टेज आपको भाई दिखाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है इसकी अर्थ भी ठीक है। अब इसके अर्थ के साथ हम इसके इग्निशन की वायर चेक करेंगे। इग्निशन की वायर इसकी ये है, पर्पल कलर की है। इसको हम फ्रंट से चेक करेंगे क्योंकि इसका पीछे से एरिया कम होता है। तो फ्रंट से जो ये बनेगी, ये तकरीबन हाँ ये वाली बनेगी, इसमें वोल्टेज कम आ रहे हैं, इसमें वोल्टेज 8 आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जी इसमें अब हम चेक कर रहे हैं, ये इसकी वो वायर है, ये यहाँ पे वोल्टेज पूरे आ रहे हैं लेकिन ग्रिप में इसके वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे। अब हमने ग्रिप में इसके वोल्टेज चेक करने हैं, हो सकता है कि मेरी वायर ना ठीक लगी हो, हम दोबारा लगा के चेक करते हैं जी। हाँ जी, वोल्टेज ग्रिप में कम आ रहे हैं और नहीं जी, वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, डन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मसला था, वो हमने क्लियर किया है। वोल्टेज कम आ रहे थे या वोल्टेज पूरे आपको भाई दिखा रहे हैं तो आपको नज़र आ रहे होंगे। हम इस वायर को ऊपर टेप करके अब चेक करते हैं कि ये हमें क्या रिस्पॉन्स करती है जी। इसका साथ ही साथ वो तो हमने चेक कर लिया, साथ ही इसका फ्यूज़ भी चेक कर लें। ये इसका फ्यूज़ नीचे लगा हुआ है, 15 एम्पीयर का फ्यूज़ है। ये मैंने कंटिन्यूटी पिक करके ये चेक किया, तो फ्यूज़ की रीडिंग ओके आ रही, यानी कि फ्यूज़ ठीक है। तो ये अब हम इसका क्लिप लगा के चेक करते हैं जी, ये हमें क्या रिस्पॉन्स करती है। लें जी, ये हमारी LCD ऑन नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है बोर्ड में इसके, कि जो हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि पीछे से करंट इसका ओके है और फ्रंट से इसमें प्रॉब्लम है। अब हम इसको LCD बंद कर देंगे, ये इनके इन्होंने कंपनी के पास जाना है, वहीं पर जाके ये क्लेम करेंगे अपना।